धार की प्राचीन धरोहर राजा भोज कालीन संस्कृत महाविद्यालय माने जाने वाली भोजशाला में बसंत पंचमी पर्व पर बुधवार को सूर्योदय के साथ ही दर्शन पूजन एवं हवन का दौर शुरू हो गया जो सूर्यास्त तक चलेगा। इसके साथ ही बुधवार से 4 दिवसीय बसंत महोत्सव का भी शुभारंभ हो गया है। इसी कड़ी में धार का गौरव दिवस भी मनाया जा रहा है। देखिए यह रिपोर्ट। बुधवार को सूर्योदय के साथ ही प्राचीन भोजशाला में मां वाग्देवी सरस्वती के दर्शन पूजन को लेकर श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला शुरू हुआ। हर कोई ज्ञान की देवी मां वाग्देवी के दर्शन पूजन कर हवन कुंड में अपनी आहुति डालने को आतुर दिखा। अल सुबह से ही भोजशाला में आयोजित बसंत पंचमी महोत्सव को लेकर नगर में उत्साह का वातावरण है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु भोजशाला में पहुंच रहे हैं। वहीं इस अवसर पर मां वाग्देवी की भव्य यात्रा निकाली गई। वहीं आयोजन को लेकर भोज उत्सव समिति ने भोजशाला को भगवा पताकाओं के साथ ही फूलों की मालाओं से सजाया है। पुलिस प्रशासन ने भी आयोजन की सुरक्षा को देखते हुए भारी तादाद में तैनाती की है। कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं तथा सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से निगाह रखती हुई नजर आई। बता दें कि धार जिले में वाग्देवी सरस्वती की बसंत पंचमी पर पूजा अर्चना हजारों सालों से की जाती है। कुछ ऐसा ही आयोजन आज किया गया। वहीं अब इस आयोजन के साथ 4 दिवसीय महाराजा भोज स्मृति बसंत उत्सव की शुरुआत भी हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, धार।